ये टेम्परेचर स्कैनर कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड करना है। आरटीडी, थर्मोकपल, 420, 0 to 5 वोल्ट, 1 to 5 वोल्ट, जिस पे भी आप करना चाहते हैं। तो हमारा सबसे पहले, अगर हमें 16 चैनल के लिए डिफाइन करना है, कैसे इनपुट डिफाइन करनी, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन मोड में करते हैं। सबसे पहले मेन्यू एंटर वाली ये जो बटन है, इसको फर्स्ट प्रेस करेंगे, ये प्रोग्राम मोड शो करेगा। उसके बाद प्रोग्राम मोड के बाद इंक्रीमेंट की प्रेस करेंगे वन टाइम, फिर ये कॉन्फ़िगर मोड आएगा। इसी मोड में हमको इनपुट पैरामीटर डिफाइन करना है हर चैनल के लिए। फिर इसके बाद कॉन्फ़िगर मोड आने के बाद मेन्यू एंटर फिर से प्रेस करेंगे, इनपुट कॉन्फ़िगर शो करेगा। इनपुट कॉन्फ़िगर में फिर एक बार वन टाइम हम ये प्रेस करेंगे, इनपुट टाइप ये शो करेगा, इनपुट डॉट कॉन्फ़िगर। फिर इसमें एक बार करेंगे तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में अंदर हर चैनल के लिए चला जाएगा, फर्स्ट चैनल। अब चैनल नंबर वन को हमें जो चाहिए, ये इनपुट यहाँ रेंज दिखाएगी, जो वैल्यू है, जो यहाँ पे पैरामीटर हम सेलेक्ट करेंगे। आरटीडी सेलेक्ट करना है सबसे पहले, जब फिर से मेन्यू एंटर दबाएंगे, जब तक ये यहाँ पे डॉट ब्लिंक नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगा हमारा पैरामीटर इनपुट में पैरामीटर, तो ये दबाएंगे तो यहाँ डॉट ये ब्लिंक शुरू होगी। इसका मतलब अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की दबा के इस पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट की है, इसको प्रेस किए, 0 to 20 आया, 0 to 5 वोल्ट आया, ये देखते रहिए, और 0 to 10 वोल्ट आया, यहाँ खत्म हो। फिर हमें आरटीडी पे जाना है, ऐसे करते हुए आरटीडी आ गया, डॉट जब तक ब्लिंक कर रहा है अभी ये वैल्यू ली नहीं है, फिर से मेन्यू एंटर को प्रेस कर देंगे, ये आरटीडी के लिए चैनल नंबर वन कॉन्फ़िगर हो गया इनपुट, ठीक है।